ऐसे बेबुनियाद बातें यहां नहीं हो सकती। मुझे कहने दीजिए स्पीकर साहब, अगर अगर उन्होंने अगर आप क्या वो कैबिनेट में शामिल नहीं थे, क्या वो क्या स्पीकर साहब क्या 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 उन्होंने क्या 370 सर्वसहमति से नहीं हुआ? माननीय सदस्य प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया, आप बैठिए। देखिए स्पीकर साहब, हाँ बोलिए। देखिए जनाब, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में मिलेगा वोट किसी ने खिलाफ दिया सदस्य, या एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज, ये सदन है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस संसद से जो बात हम कह रहे हैं पूरा देश सुन रहा है, बोलते समय किस रेफरेंस में किसी पे आरोप प्रत्यारोप जब तक नहीं हो, फिर नियम कानून की किताब से चलेंगे तो सदन चलेगा नहीं, तो तथ्यों के आधार पर हो, कोई रेफरेंस हो, कोई बात हो, इस सदन को ऐसा नहीं बोले कि अपन कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई संदर्भ नहीं और अपन किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, इसके लिए सदन का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कार्रवाई से निकालूं लेकिन सदन बोलकर जनता के बीच में चल जाए, ये मैं कभी उचित नहीं मानता। इसलिए बोलते समय माननीय सदस्य उनके पास जब भी तथ्य हो प्रमाण हो तो निश्चित रूप से बोले। माननीय रक्षा मंत्री जी, उनको नहीं कहना चाहता, बस इतना ही आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूं माननीय सदस्य से, जिन्होंने कि अपना विचार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 370 का प्रस्ताव लाया था, तो मैं चाहता हूं कि इसको वो ऑथेंटिकेट कर दें। मैं इसका कोई ना कोई रेफरेंस आपके पास होगा तो रेफरेंस की भी इस सदन में चर्चा करें तो ज्यादा उचित होगा, इतना ही कहना। यदि नहीं है, इसका रेफरेंस नहीं है, तो आपको सदन से क्षमा मांगनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब अरे नहीं मनीष जी, केवल हसनैन मुसद्दी जी, स्पीकर साहब, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने लाया रेजोल्यूशन, लेकिन ये है कि क्या ये एक मान सदस्य, देखिए आप बैठे ना प्लीज। देखिए स्पीकर साहब, आप बिलाशक निकालिए, लेकिन मेरा ये नहीं कहना था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने नहीं किया। बात ये है कि क्या सर्वसहमति से 370 नहीं हुआ? सिर्फ कहते हैं कि कैबिनेट के सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सदन के रिकॉर्ड के लिए कि वो कैबिनेट किसी एक पार्टी की चुनी हुई कैबिनेट नहीं थी, सर्वदलीय कैबिनेट थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रस्ताव गए हैं वो कैबिनेट के थ्रू नहीं गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वतः ही चर्चा कर संविधान को लिखने का काम किया है। संविधान बनने के बाद यह हुआ कि कोई भी प्रस्ताव जो जाएगा कानून बनने के लिए वो कैबिनेट के थ्रू जाएगा। वो कैबिनेट को अधिकार संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसने दिया है। इसलिए जब कैबिनेट के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इट डजंट मीन कि इन्होंने 370 का समर्थन किया है, और रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए साहब। इस सदन पर इस तरह की बातें रिकॉर्ड पर भी नहीं रहनी। साहब इन्होंने मेरी जो बोल रहे हैं प्लीज, आप शशितनु जी, आपको भी देखिए उनको बोलने दो। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इन वे मेरा सपोर्ट किया, ये माना कैबिनेट से आया था और वहाँ पर किसी का विरोध नहीं हुआ। इसलिए महावीर ताजी साहब ने एक अमेंडमेंट की थी जो उन्होंने एक मिनट अभी भी ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने कहा कि कैबिनेट से आए। मैंने कभी नहीं कहा कैबिनेट से आए। उस वक्त संविधान सभा में जो कानून बनने जाता था वो कैबिनेट से होकर नहीं जाता था। कैबिनेट में होकर कानून बनने के लिए जाने का सिलसिला संविधान बनने के बाद देश की कैबिनेट को मिला है। उस वक्त स्वतः ही संविधान सभा अपनी चर्चा कर संविधान को गढ़ रही थी, बना रही थी। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के सदस्य थे, इट डजंट मीन कि उन्होंने 370 को समर्थन किया।
ठीक है तो जनाब यह है कि मानस प्लीज हमने कहा कि सर्वी सहमति से महावीर त्यागी साहब ने अमेंडमेंट ली, वो ली, सिर्फ हसद मोहानी ने ऑब्जेक्शन किया और स्वामी अयंगर साहब ने सबको संतोष किया कि नहीं ये हित में है और ये भी कहा कि ये अगर आप उनका बयान देखेंगे तो ये नहीं टेम्पररी है नहीं ट्रांजिशनल है और ये बंदा हुआ है श्री पी के कुनाली कुट्टी जी और ये माननीय सदस्य आप माननीय सदस्य प्लीज आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बना रखी है उसमें आपका टाइम अलॉटमेंट होता है। मैं नहीं कहता कि उस टाइम के अलॉटमेंट से मैं एक मिनट मैं ज्यादा समय नहीं देता हूं लेकिन मैंने अधिकतम माननीय सदस्यों को उनकी पार्टी से ज्यादा समय दिया है क्योंकि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार और प्रतिपक्ष को विशेष रूप से ज्यादा अधिकार है और विशेष रूप से माननीय सदस्य क्योंकि जम्मू कश्मीर से आते इसलिए मैंने उनको बोलने के लिए ज्यादा समय दिया है इतना सा। हाँ लेकिन मैंने माननीय सदस्य उनका समय व्यवस्था से आपने व्यवस्था बनाई उसके साथ 3 मिनट होते हैं मैंने 8 मिनट बोलने का दिया है क्यों 20 मिनट हो गए कितने 15 मिनट हो गए बोले माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड करने दो उनको माननीय सदस्य आपका उनका समय क्यों खराब कर रहे हो कंक्लूड करने दो एक माननीय सदस्य बीच में खड़े यही तो नहीं जो सारे देश ने एक विश्वास दिया था वो तोड़ा जा रहा है और वो भी यकतरफा कोई वहां पर इलेक्टेड आप कह रहे हैं कि हम जी वहां के इलेक्टेड गवर्नर साहब के मशवरे पर कॉन्फ्रेंस उनकी कॉन्फ्रेंस लेकर कंसर्ट लेकर जनाब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना ही नहीं है क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होता है वहां उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए क्योंकि द नेचर ऑफ द पावर आप खुद क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव से अपने अपॉइंटी से कॉन्फ्रेंस लेंगे कैसी बात है आप तो इतने विद्वान हैं जिस कल्पना जिस कॉन्फ्रेंस और की वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की और इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट इन प्लेस सो व्हाट एवर इज बीइंग डन दैट इज नॉट इन ट्यून विद इन कॉन्सेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन का एक असॉल्ट किया जा रहा है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉलो करके कोई चीज की जाए और आपको और दूसरी बातें करें डेवलपमेंट होगी बस जनाब हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पर एक भी सुसाइड नहीं है फॉर्मल सुसाइड वी आर वेल ऑफ हमारा पर कैपिटा है सबसे ज्यादा देश से हमारी 8 यूनिवर्सिटियां हैं दो जम्मू एक श्रीनगर एक माता वैष्णो देवी एक बाबा गुलाम शाह दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी 8 यूनिवर्सिटियां हमारी हैं और लद्दाख को भी यूनिवर्सिटी लद्दाख की यूनिवर्सिटी भी वो तो इन्हीं का काम था इन्हीं का तो जनाब हमारा सदस्य आपको मौका दूंगा मौका आपको दूंगा हमारी कोई स्टार्वेशन डेथ नहीं है जनाब हमारा कोई फॉर्मल सुसाइड नहीं हम वेल ऑफ है हमारा टूरिज्म है हमारा हॉर्टिकल्चर है हमें 370 उठा के किसी भी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है हमारी आइडेंटिटी हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशन हमारी जो हमारा ऑटोनॉमी वही हमें सबसे ज्यादा प्यारा है और हमने कुनाली कुट्टी जी तो जनाब मैं इसके विरोध में खड़ा हूँ और मैं सदस्य नहीं तो सदन में कोई ये नहीं बता रहा कि पक्ष में खिलाफ में है इस बिल के तो मैं पहले ही कहा मैं विरोध में खड़ा हूँ मैंने पहले ही खड़ा मैं मुखालफत में खड़ा हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ सर सर वन मिनट बिफोर वाइल द पोअर मेंबर मसूद स्पोक हियर द मेंबर फ्रॉम कश्मीर आई एम वेरी सैड टू से दैट તો કલમ 370 ઉપર નેશનલ કોન્ફરન્સ તરફથી તેમનો પક્ષ રાખવામાં આવી રહ્યો હતો અને સીધી રીતે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીને લઈને એક રીતે હોબાળો મચ્યો હતો ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે કહ્યું કે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ જમ્મુ કાશ્મીરની કલમ 370 માટે